उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, हमारी मांग पर किसी तरह की केंद्र सरकार की तरफ से, देश के गृह मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं आई, सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमारी मांग थी, कुछ दिन पूर्व हमने मांग की थी केंद्र सरकार से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि जम्मू संभाग के जो रजौरी और पुंछ को कश्मीर के साथ जो जोड़ने वाली सड़क है, उस सड़क का नाम बदला जाए। उस सड़क का नाम जो है डोगरा वंश के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाए। देखिए, जो मुगलों का नाम वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा, जो ये प्रतिष्ठित स्थल हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, इन सड़कों पर किसी तरह की मुगलीय छाप हमें बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की मुगलीय छाप हमारे ऊपर थोपी जाए। वो मुगल जो देश के अंदर आक्रमण करने आए थे, जो देश को लूटने आए थे, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारतवर्ष को लूटने आए थे, उनका नाम हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि उनका नाम प्रतिष्ठित स्थलों पर रखा जाए। इसके साथ ही हमने इस 4 अप्रैल को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक खुला पत्र भी लिखा था, जिसके अंदर ये मांग की गई थी कि इस सड़क का नाम महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाए। हमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई है कि आज 15 से 16 दिन बीत चुके हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वह केंद्र सरकार, वह बीजेपी सरकार जो देश के अंदर तमाम सड़कों के नाम बदल रही है, उन तमाम मुगलों की निशानियों को खत्म कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्वागत योग्य कदम भी है, मगर जम्मू कश्मीर के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर मुगलों के नाम की सड़कों को बदलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता चुप्पी साध लेते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर की यहाँ की तरफ से, शिवसेना इकाई की तरफ से, केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर इस मांग के हक में फैसला नहीं लिया गया, तो तमाम शिव सैनिक मुगल रोड पर जाकर वहां पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे।